नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखाता हूं और एक नई चीज़ जो विलुप्त होती जा रही है। और सच्चाई रहा कि 89 से आप समझ सकते हैं कि 89 से सन 89 से जो व्यक्ति जिस पार्टी के लिए लाखों कुर्बानियां दे चुका है, आज 2021 चल रहा है। पूरी बाल्यावस्था से लेकर आज उम्र इनकी नियर अबाउट 50-60 से कम नहीं होगा। इनसे मैं पूछूंगा, लेकिन फिलहाल में मैं बता दूं जिस पार्टी का मैं बात करने जा रहा हूं, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। सभी लोग जानते हैं कि गरीबों की ये पार्टी है, और ख़ास तौर से जो नीच कास्ट के लोग आते हैं, एससी कास्ट में जो आते हैं, उनके लिए अपनी जान दे देती है। ऐसे ही एक शख्स हैं जो 89 से सन 89 से अब तक पूरी जवानी उसमें बिता दिए, बालावस्था से लेके जवानी बिता दिए। सर, पहले तो आपको जोश एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जो आप मेरे घर पे मेरा परिचय प्राप्त करने, मुझे सम्मान देने के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं और मेरा परिवार जी और बहुजन समाज पार्टी की यूनिट गाजीपुर सहित पूरे राष्ट्र के जो भी हमारे नेतागण हैं, आदरणीय बहन जी हैं, वो सभी आपके इस जोश एक्सप्रेस जो आपका न्यूज़ चैनल है जी, उसको तहे दिल से बधाई देते हैं कि आपने यह साहस किया है और हमारी पार्टी का आपने नाम लिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमें ये बताएंगे आप कि आप 89 से पार्टी में रहे हैं, आज 2021 चल रहा है, तो सन 89 में और आज में क्या फ़र्क है, पहले तो ये बताइए। अब देखिए, सही तो ये है कि पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि हम आज आपके समक्ष खड़े हैं और आप यहाँ तक आ सके हैं जी, तो इसमें मेरा और आपका कुछ नहीं है। ये हमारे उन महापुरुषों की कुर्बानी का फल है जिन्होंने अपने समय समय पर अपने आंदोलनों के माध्यम से समाज में, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में जी, जो असमानता है जी, जो राजनैतिक छुआछूत है, सामाजिक छुआछूत है, भेदभाव है, वैचारिक असमानता है जी, और यूं कहें कि जो सामंतवाद की सोच लोगों में है, इसके खिलाफ उन्होंने समय समय पर अपने स्तर से अपनी जान की परवाह किए बिना जिल्लत जलालत तमाम दुश्वारियों का सामना करके और अपने परिवारजनों की कुर्बानी देकर के उन्होंने खड़ा किया, और तब जाकर आप और हम एक साथ इस दरवाजे पर खुले आसमान के बीच। ये तो संविधान में वर्णित है कि एक तरह से मतलब सबका फंडामेंटल राइट बनता है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आप जिस श्रेणी से बहुजन समाज के लिए आपने काम किया और काम करते करते ये स्थिति आई, पहले तो आप भी जानते हैं, बेखूबी आप जान सकते हैं कि सदस्यता ग्रहण होता है, सदस्य आपने जो सदस्य जब बने तो कब बने थे आप? अब देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी के भारत में तेज़ी से उभरने का काल था जी, और बाबा साहब अंबेडकर के बाद जिनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ जी, उन्होंने भारत सहित पूरे विश्व को जी एक लोकतांत्रिक जी अधिकार दिया, खासतौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का संविधान जी, और महिलाओं को संपत्ति में, राजनीतिक भागीदारी में, तमाम तरह का उन्होंने अधिकार दिया। उसके बाद बहुजन समाज का जो मूवमेंट है जी वो रुक गया था जी। हालांकि बाबा साहब अपने समय समय पर आयोजित सभाओं में वो कहा करते थे कि इस कारवां को मैंने बड़े मुसीबतों का, दुश्वारियों का और बेशुमार विरोधियों का सामना करके बड़ी मुश्किल तक यहाँ तक ला पाया हूँ, और मेरे अनुयायियों हो सके तो इसे आप आगे बढ़ाना जी। आपको पार्टी में क्या क्या पद रहा? सर सुनिए, मेरी बात को पूरा हो लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सके तो इसे आगे बढ़ाना जी, अगर ऐसा न कर सको जी तो इसे यहीं पे रोके रखना जी, किसी भी कीमत पर पीछे मत जाने देना जी। आप जानते हैं कि पीछे नहीं जाने देने के लिए आपको पूरी ताकत जी लगानी पड़ती है जी, और 1956 के बाद जी भारत में एक ऐसे व्यक्ति का उदय होता है, हालांकि वो 15 मार्च 1934 को भारत के 21वीं सदी के महानायक, बहुजन उद्धारक, बहुजन समाज पार्टी, DS4 और बाम सेफ के जो संस्थापक हैं जी, आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय काशी राम जी, जी जो DRDO अनुसंधान में पुणे में सहायक वैज्ञानिक के पद पे, काशी राम का जब कार्यकाल रहा तो, क्या उस समय भी आप पार्टी में रहे? जी, मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि उन
का देश में भारत में बड़ी तेजी से उदय हो रहा था, क्योंकि वो कारवा रुका था और काशीराम उनसे प्रभावित होकर के, और उनकी एक पुस्तक है इन इनिशियल ऑफ कास्ट, अच्छा, जिसको उनके एक उस कार्यालय में जो चतुर श्रेणी के कर्मचारी थे दीना बाना ने उनको दिया था जी। उसको 17 बार पढ़े और पढ़ने के बाद उनके भीतर एक बिजली सी दौड़ पड़ी जी। और उन्होंने तब से इस बहुजन समाज को जी। जो SC ST OBC माइनॉरिटी और कन्वर्टेड रिलीजियस हैं यानी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक और सर समाज में वंचित वर्गों की लड़ाई करने का उन्होंने बीड़ा उठाया जी। और उन्होंने शपथ लिया कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं कोई शादी नहीं करूंगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा, अकाउंट नहीं खोलूंगा, यहाँ तक कि बाद मरने के भी, क्योंकि उनका घर रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में था और उनके माता पिता का नाम हरि सिंह और बिशन सिंह कौर था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। उन्होंने शपथ लिया कि मैं किसी शादी समारोह में और किसी के मरने में द्वारचार करने नहीं जाऊंगा। उनके इस शपथ के पीछे कारण था कि हमारे लोग रोज मरते हैं जी। और बिना मतलब का मरते हैं, तो हमें मतलब के लिए मरना होगा, यानी उन्होंने लोगों में, चलिए ठीक है ये सब पुरानी बातें रहीं, इसको हम काटते हुए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो पॉइंट बात है, आपने 2021 हम आ जाते हैं, चूँकि पास्ट कोई नहीं देखता है, या तो फ्यूचर लोग देखते हैं, नहीं तो प्रेजेंट देखते हैं, हाँ इस समय हम प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर को आप छोड़ दीजिए, तो प्रेजेंट में वर्तमान में समझ लीजिए, वर्तमान में आप मैंने सुना है लोगों से चर्चा चल रही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी लेबल मिलता है, आपको लेबल नहीं मिल पाए, आखिर इसका कारण क्या रहा? अब देखिए थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, मैं जो बात कह रहा था कि मैं 89 में छात्र जीवन में काशीराम की उस बात से, उस मिशन से प्रेरित होकर के मैं जुड़ा जी। मैं पढ़ता रहा जी। मैं हाई स्कूल पास किया था जी 88 में जी। उसके बाद मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी में एक सुरक्षा दस्ता का विंग है, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, जिसे काशीराम ने संगठित किया था जी। और मैं उसके सदस्य के तौर पर रहा और मीटिंगों में, सभाओं में मैं अपनी सेवाएं देता रहा जी। और उसके सेवा काल में ही मुझे बनारस मंडल का इंचार्ज बनाया गया जी। मैं उससे जुड़ा रहा, मैं सेवाएं देता रहा। पार्टी के लिए आप कहाँ कहाँ गए हैं? और पार्टी के लिए, अब उसके बाद पार्टी ने समय समय पर जो भी कार्यक्रम, धरने, प्रदर्शन आयोजित किया, खास तौर से उस समय में जब लोग पॉकेट में झंडा लेकर चलते थे जी, तो हम अपने लोगों के बीच रिश्तेदार नातेदार के माध्यम से ही मैन टू मैन हम जुड़ते रहे। और बहुजन समाज पार्टी का एक मोमेंट था BP सिंह की जब सरकार थी जी, तो उस समय काशीराम जी ने अपने 3 डेलीगेट्सों के माध्यम से हरभजन सिंह राखा, रामकृष्ण यादव और बहन कुमारी मायावती, जो उस समय नवासी में सांसद हुई थी जी, जी। तो उन्होंने उनको समर्थन देते समय ये कहा था कि हम आपको समर्थन इस शर्त पर देते हैं कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में पिछड़े तबकों के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का वादा किया है जी। क्योंकि अनुसूचित जाति को आप जानते हैं कि पहले से आरक्षण बाबा साहब के प्रयास से मिल गया था, लेकिन हमारे भाई जो उसमें नहीं जा सके, उसके लिए मंडल कमीशन आयोग गठित किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस ने, अन्य लोगों ने सदन के पटल पे रखने का साहस नहीं किया। सुन लीजिए थोड़ा सा, लेकिन उसमें बहुजन समाज पार्टी ने जब बीपी सिंह भारत, डॉक्टर बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात थी, उनके चित्र को संसद के केंद्रीय कक्ष में स्थापित करने की बात थी, इस 3 मुद्दों पर उन्हें समर्थन दिया था। लेकिन बीपी सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो लोग उनको कहते थे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन काशीराम उनसे कई बार कहे कि आपने जो वादा किया है, हम समर्थन के अनुसार आपसे मांग करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न और उनकी प्रतिमा को केंद्रीय कक्ष में और पिछड़े वंचित वर्गों के लिए, अन्य पिछड़े जातियों के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करें जी। वो इससे आनाकानी करते रहे। तब काशीराम जी ने एक राष्ट्रव्यापी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ठीक है जी, वरना कुर्सी छोड़ दो जी। इस लूली सरकार को एक धक्का और दो जी। और उन्होंने उस समय कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद उन्हें दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार,
और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस नारे के साथ पिछड़े को आरक्षण दो वरना कुर्सी छोड़ दो जी ना, तो इस नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जिसमें मैं खुद दिल्ली में मंडी हाउस, जिसको प्रसार भारती के नाम से, जो भारत का दूरसंचार जो टेलीविज़न है, तो भारत में बहुत प्रांतों से लोग आए थे और हम लोग भी गाजीपुर के तरफ से, उसमें हमारे ज़िले के पूर्व अध्यक्ष मनोज विद्रोही जी भी थे जी। और एक राजभर समाज की नेता हमारे यहाँ थी जमुनी देवी उस टाइम में, वो भी और अपने बच्चों के साथ हम लोग 2 महीने वहाँ मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, हालांकि ये मैं काम पढ़ाई छोड़ करके गया था प्रभावित। बहुत सारा आपने आंदोलन किया है समाज के लिए और अपने पार्टी के लिए बहुत सारे आंदोलन अंतर्गतवा, मैं चाहूँगा समय ना लेते हुए समय, चूँकि लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पार्टी लेवल से बहुत पार्टी के लिए किया और आज चुनाव लड़ रहे हैं, आज जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, सभी को टिकट के मिले या फिर लेबल लगा के, लेकिन आपका मैंने देखा कि कोई लेबल नहीं है, इसमें आपका क्या मतलब है? देखिए मैंने जिस घर में काम किया है जी, तो एक कहावत है कि जहाँ आप काम करेंगे जी वहीं अपने परिश्रम की बात करेंगे। हाँ सही बात है। और हमने आपको बताया कि जिला स्तरीय सभाओं में, आरक्षण समर्थक रैलियों में, 2 अप्रैल को जो हमारे एसटीओसीटी एक्ट यानी एससीएसटी एक्ट पर जो कोर्ट के माध्यम से कुठाराघात किया गया था, उसके लिए जो राष्ट्रव्यापी धरना हुआ था उसमें भी मैंने प्रतिभाग किया, और 15 सितंबर 1990 को जोगा, जो अहमदाबाद तहसील जनपद गाजीपुर का एक गाँव है जो सामंतवादियों का गाँव है, आरक्षण के समर्थक में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, मैं भी व्यक्तिगत रूप से उसमें गया था, हालांकि उसमें सामंतियों के हमले से हमारे 4 साथी शहीद हुए और मैंने प्रतिभाग किया। रागी सवाल इलेक्शन लड़ने की, तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के बीबीएफ विंग से लेकर के बूथ का, मैं अपने यहाँ बूथ का अध्यक्ष बना, फिर नौनारा सेक्टर का प्रभारी बना, फिर विधानसभा में ममदाबाद में प्रभारी। इस समय जहाँ आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, किस नाम से लड़ रहे हैं और कौन सा क्षेत्र? अच्छा ये देखिए मैं बता दूँ आपको कि इससे पहले थोड़ा मैं पीछे ले जाऊँगा, इससे पहले 2015 में जो चुनाव हुआ था जी, तो अहमदाबाद और कासिमाबाद का पार्ट मिलाकर एक वार्ड है, वार्ड नंबर 41 काशमाबाद पंचम जी, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उस समय किया गया था। मैंने अपने पार्टी नेतृत्व में जिला स्तर की कमेटी जो टिकट का वितरण करती है, समर्थन देती है, वहाँ मैंने आवेदन दिया जी, और मेरी दावेदारी भी ठीक थी, लेकिन उस समय में हमें यह कहा गया, आदरणीय विनोद कुमार बागड़ी, ओम प्रकाश गौतम इत्यादि पदाधिकारी थे, तो वहाँ हमको यह कहा गया कि एक और मित्र थे जो पार्टी में थे, अभिमन्यु गौतम मनु जी, कि आप इस बार इनको छोड़ दीजिए, अगली बार में आपको गाजीपुर की सीट में, जब ये 2021 में चुनाव होगा पंचायत का, तो आपको निश्चित रूप से श्योर सर्टेन वादा किया गया और मैं पार्टी हित में और एक कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले लिया। मैं मतलब पार्टी आपसे वादा करती है कि 2021 में आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, पार्टी का लेबल दिया जाएगा, पार्टी के लेबल से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज इनको पार्टी का लेबल ना मिला ना ही टिकट मिला, तो आप पार्टी के लिए क्या मतलब कहेंगे? तो अब साहब मेरा ये कहना है कि पार्टी हमारी बड़ी अच्छी है और मेरे घर में कोई समस्या नहीं, सवाल ये है कि उसके जो संचालक हैं, कुछ सदस्य हैं, वो इधर उधर हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पुनः जब मैं पार्टी के कार्यक्रमों में रहा जी, उसे चंदा जो समय समय पर दिया जाता है, मैं आपसे उनसे गांव गले कुचों में जा कर के, जो भी लोग हमारे हैं नौकरी पेशे में हैं, आप जैसे लोग हैं सबसे, मैं सदस्यता के लिए, चाहे पार्टी का मेंटेनेंस शुल्क है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है और गरीब गुर्बत की पार्टी है, ये धना सेठों की पार्टी नहीं है। काशीराम ने कहा था कि जिधर धन जाएगा उधर मन जाएगा और जो सहारा देगा वो इशारा देगा। आपको मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, जो बहुजन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार चला चुकी हैं और भारत के सदन की भी सदस्य रही हैं वो, और उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है जी। तो सरकार बनी, हम उनके साथ रहे और बड़े परिवर्तन के साथ, बड़े ही नए अंदाज के साथ लोगों में स्वच्छ